नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के स्टूडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड के ऊपर, जहां पे 11% से ज्यादा की तेजी है। क्या ये तेजी बरकरार रहेगी? और यहां पे दोस्तों बहुत बड़ी बल्क डील हुई है, दोस्तों बहुत ही ज्यादा बल्क डील हुई है। किसने बाय किया है उसके ऊपर दोस्तों डेटा देखेंगे, और गोल्डन रेशियो ब्रेकआउट होने की संभावनाएं बढ़ रही है दोस्तों इस स्टॉक के अंदर। अगर गोल्डन रेशियो ब्रेकआउट आता है तो दोस्तों आप सबको पता है कि स्टॉक में जबरदस्त मोमेंटम मिलने की संभावनाएं बढ़ती है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे लेमन ट्री के ऊपर दोस्तों। तो यहाँ पे चार्ट के ऊपर हम आ चुके हैं दोस्तों, और चार्ट के ऊपर जो गोल्डन रेशियो ब्रेकआउट है वो क्या है उसको समझने की आपको कोशिश करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि चार्ट वीकली चार्ट के ऊपर मैंने सेट किया हुआ है दोस्तों, और वीकली चार्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा दोस्तों स्टॉक में लॉन्ग टर्म रिट्रेसमेंट जो है मई 2018 का, उस रिट्रेसमेंट को लो टच किया है दोस्तों। लॉन्ग टर्म रिट्रेसमेंट 22 मई 2020 का, ये पूरा चार्ट है लेमन ट्री का, और वहां पे 61.8% का रिट्रेसमेंट आ रहा है 61.54, और अभी का क्लोजिंग आ रहा है 60.90। अब ये रेशियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लास्ट वीक से आगे दोस्तों यहाँ पे टच हुआ था 11 मार्च को, बट वो क्रॉस नहीं कर पाया। वॉल्यूम भी अच्छा था फिर भी क्रॉस नहीं हुआ, और अब दोस्तों दोबारा वो रेडी हो रहा है घुमा फिरा के भागने के लिए दोस्तों। जैसे ये लेवल तोड़ेगा, और ये लेवल का इंपॉर्टेंस क्यों है तो ये बता दूं मैं आपको कि जो 28 फरवरी 2020 यानी कि जो हमारा कोविड प्री कोविड लेवल जो बोला जाता है वो भी यहाँ पे निकल रहा है। तो एक बार इसको तोड़ेगा तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम ये स्टॉक देने की संभावनाएं रखता है। अगर पिछले एक मंथ की मूवमेंट की बात करें तो 23% का मूवमेंट आया है, और लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो -8% का दोस्तों है। अब आप बोलोगे कि सर डिस्कस क्यों करना है अगर ये स्टॉक नेगेटिव रिटर्न दिया है तो 5 साल के अंदर। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि एक तो होटल सेक्टर जो है वो दोस्तों सबसे ज्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ था कोविड का दोस्तों। अब आप सबको पता है, सिंपल सा कॉमन सेंस है कि जो लेमन ट्री है होटल बिजनेस है पूरा ओपन हो चुका है, कोई लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शन अब नहीं बचे हमारे पास, तो जो बिजनेस है दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दे रहा है। अब बिजनेस अच्छा है, मोमेंटम दे रहा है, इवन लास्ट क्वार्टर का भी हम रिजल्ट देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा कि क्या इम्पैक्ट होता है दोस्तों जब लॉकडाउन होता है, और दोस्तों प्री कोविड लेवल पे क्या प्रॉफिट है और अभी क्या रेवेन्यू है उसके ऊपर भी आपको आइडिया आएगा कि ये स्टॉक में अभी पोटेंशियल है आगे भागने के लिए। उससे पहले दोस्तों ये बल्क डील के ऊपर नजर डाल दीजिए। जेपी मॉर्गन इंडिया ट्रस्ट, इंडियन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट PLC, जिन्होंने बल्क परचेज किया है 25 मार्च 2022 को, एवरेज प्राइस 60 रुपीज है, और दोस्तों 42 लाख शेयर दोस्तों उन्होंने परचेज किए। सामने दोस्तों स्पार्क मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने सेल भी किए सेम अमाउंट के दोस्तों, और क्वांटिटी तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। अब स्पार्क मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कौन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रमोटर का जो हिस्सा है वो 25.88 है दोस्तों अभी का, और वहां पे आपको नाम दिखेगा स्पार्क मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे 24.51% का दोस्तों इनका होल्डिंग है, और दोस्तों उन्होंने पहले भी बेचा था सितंबर 2020 में, तो यहाँ पे और थोड़ी बिकवाले की हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों सामने जेपी मॉर्गन ने बाय की है, बाकी दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे आपको प्रमोटर्स दिख रहे हैं। FII की अगर बात की जाए तो दोस्तों लास्ट क्वार्टर में उन्होंने इंक्रीज किया था 20.11 का जो उनका स्टेक था उसको बढ़ा के 22.81 किया था, और DII का अगर बात करें तो 13.45 थोड़ी सी हल्की सी डाउन हुआ था, जहाँ पे SBI लार्ज एंड मिड कैप ने उनको थोड़ा सा बेचा था दोस्तों। बड़े जो म्यूचुअल फंड होते हैं थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है दोस्तों। लेमन ट्री की अगर बात की जाए तो दोस्तों होटल सेक्टर की दिक्कत ये होती है कि उनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा होता है, और उसकी वजह से जो आपको मुनाफा मिलता है ना वो ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मिलता है, क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा रहता है, और बहुत ज्यादा चले उसके बाद आपको रिटर्न मिलता है। मार्केट कैप जो है वो 4825 करोड़ का है, करंट प्राइस अभी 60.90 है, बुक वैल्यू 10 का है, तो वहां से तो काफी ऊपर प्राइस है दोस्तों। ROE नेगेटिव है, लॉस में चल रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 32.7 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था कि बिजनेस ओपन अप हुआ है, आप क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर दोस्तों नजर डालिए, बिल्कुल गौर फरमा दीजिए सेल्स के ऊपर। तो सितंबर का जो सेल्स था वो 96 करोड़ का था दोस्तों, जून का था वो 42, हमारा जो सेकंड वेव था वो वाला, और दिसंबर का देखिए क्या गजब का दोस्तों क्वार्टर टू क्वार्टर में आया है, और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट था वो भी कम थोड़ा है, माइनस ही था, बट अगर आप
ईयर टू ईयर में देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो आपको सेल्स समझ में आ जाएगा कि हमारा जो प्री कोविड लेवल था दोस्तों, एवरी ईयर कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया था। मार्च 2015 में अच्छा ग्रोथ था, 2016 में अच्छा ग्रोथ था, 2017 में सेल्स देखिए ग्रोथ अच्छा है, 18 में अच्छा ग्रोथ है, 29 में अच्छा ग्रोथ है और 20 में भी बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है दोस्तों। बट कोरोना आया उसके बाद आपका जो सेल्स था वो बहुत ही इम्पैक्ट हुआ स्टॉक के ऊपर, और उसके ऊपर स्टॉक के प्राइस के ऊपर भी प्रेशर दोस्तों बन गया, और जो कंपनी मुश्किल से प्रॉफिट में आई थी अब वो लॉस में चली गई और बहुत ही ज्यादा लॉस दिखाया उन्होंने मार्च 2021 में। यहाँ पे देखिए ये साल में भी दोस्तों कुछ इतना इम्प्रूव नहीं हुआ है और -80 है, बट आपने जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखा और उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर में जो आया था 143 CR का, तो वो बढ़ेगा तो दोस्तों बट ऑब्वियस है कि ये स्टॉक में वृद्धि आएगी, स्टॉक वापस से प्रॉफिट में आ जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और दोस्तों अब अनलॉक हो चुका है पूरा इंडिया, और थोड़ा सा अभी चाइना में थोड़ा मुश्किल ही चल रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट होगा अगर कोरोना का वेव और लॉकडाउन इम्पैक्ट आता है तब। बट दोस्तों चार्ट के ऊपर जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि जो 61.8% का रिट्रेसमेंट, गोल्डन रेशियो रिट्रेसमेंट हमारा टूटने वाला है, जैसे ही टूटेगा स्टॉक में जबरदस्त तेजी होगी और बहुत ही बढ़िया आपको मूवमेंट दी जाएगी दोस्तों। अब इसको हम डेली चार्ट के ऊपर देखने की, समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्या हो, क्या रणनीति के जरिए हम पैसा बनाए। तो बिल्कुल सिंपल सी, अगर डेली चार्ट के ऊपर 61.54 का पॉजिटिव क्लोज दे दे तो आप यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो, या फिर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर दोस्तों पॉजिटिव 15 मिनट का आ जाए तब इंट्राडे और लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पे खेल सकते हो दोस्तों। और वॉल्यूम बहुत ही बढ़िया है, अब जब वॉल्यूम जब तोड़ता है दोस्तों कल और नेक्स्ट वीक में जब भी दोस्तों मौका मिलेगा एक बार कंसोलिडेशन करके जाएगा, तो फिर हम देखेंगे कि ये स्टॉक में क्या जबरदस्त तेजी बनेगी कि नहीं दोस्तों। अगर वहां से दोस्तों पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं आता है तो यहां से डाउनवर्ड होने की संभावना है। लास्ट टाइम भी आप देखेंगे दोस्तों 9 मार्च 2022 को वहां पे टच होके वापस आया था, और फिर हमारा जो रिट्रेसमेंट है 50% का वहां पे टच करके बाउंस बैक किया था दोस्तों। तो एक बार पॉजिटिव क्लोजिंग आए तभी बाय करो, बाकी बाय मत करो। अगर नेगेटिव आता है क्लोजिंग तो फिर वहां पे सेल करके भी पैसा बनाया जा सकता है, बट अब चांसेस दोस्तों ज्यादा है पॉजिटिव क्लोजिंग होने के। उसके पीछे का रीजन एक ही है कि अब अनलॉक हो चुका है पूरा, और जब जियोपॉलिटिकल टेंशन है अभी थोड़ा सा, बट अगर वो भी स्टेबल रहता है, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आती है और मार्केट में कोई सेल ऑफ का माहौल नहीं है, तो यहाँ पे अच्छे लेवल आपको आने वाले टाइम में लेमन ट्री में मिल सकती है। और दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया होटल है दोस्तों, और उनके जो रूम्स है और जो सिटीज में उनका जो नेटवर्क है वो काफी बेहतरीन है, तो फंडामेंटली ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये स्टॉक आपको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देने की संभावनाएं रखता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप एंजल वन में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो एजुकेशन पर्पस में बनाया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।